दो साल बाद दिल्ली होली के जश्न में डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाजारों में रंग, गुलाल और अबीर की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि कोरोना के बाद करीब दो साल बाद दिल्ली वालों को मौका मिला है अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ होली वाले त्यौहार को धूमधाम से मनाने का। लोगों में खुशी है और इस खुशी को लोग अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ बांटना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी होली वाले दिन अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर मेट्रो या बस से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि होली वाले दिन यानी 18 मार्च के लिए दिल्ली मेट्रो को लेकर DMRC ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक होली वाले दिन यानी 18 मार्च की सुबह से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। यानी जिस मेट्रो को आप सुबह 6 बजे से ही दौड़ती हुई देखते थे वो 18 मार्च को आपको दिखाई नहीं देगी। बता दें कि होली वाले दिन सभी मेट्रो लाइन बंद रहेंगी, चाहे वो रैपिड मेट्रो हो या फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। हालांकि दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी रूट पर पहले की तरह से मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। इसके अलावा होली वाले दिन के लिए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने वाली DTC बसों के संचालन को लेकर प्रशासन की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 18 मार्च यानी होली वाले दिन की सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी सिटी बस सर्विस बंद रहेंगी। हालांकि दोपहर 2 बजे के बाद भी ट्रैफिक को देखते हुए केवल 898 बसों का ही संचालन किया जाएगा, वो भी दिल्ली के कुछ चयनित रूट्स पर इन बसों को चलाया जाएगा। तो अगर आप सुबह से लेकर 2 बजे या 2:30 बजे के बीच मेट्रो या बस से अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाने की सोच रहे हैं तो अपने प्लान को या फिर बदल लीजिए, या शाम का वक्त चुनिए, या फिर अपने वाहन का इस्तेमाल कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।